साथियों नमस्कार, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा विषय है सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। यह एक मानसिक रोग है जो साइकोपैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। वस्तुतः इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आइए हम इसे समझते हैं। यह विभिन्न जो योग के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं और जो जिज्ञासु लोग हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। इसमें विभिन्न रूप से योग के माध्यम से, गीता के माध्यम से सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स को बतलाया जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ बने रहें। सर्वप्रथम सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर कहाँ से आया है, इसका इतिहास क्या है, किसने दिया है, तो सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत यह लिया गया है। मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जिसमें से एक शाखा है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसे अब साइकोपैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। साइकोपैथोलॉजी एक व्यवस्थित रूप से, साइंटिफिक रूप से मनोरोगों का निदान और अध्ययन किया जाता है। तो उन्हीं विभिन्न मनोरोगों का अध्ययन और निदान में आज का जो हमारा विषय हम लेकर आए हैं वह है सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स। सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स मनोचिकित्सक प्राचीन काल में हुए थे यूजिन ब्लूलर 1857 एंड 1939 ने। 1911 में मनोचिकित्सकों, विभिन्न जो मनोचिकित्सक थे जैसे बेनेडिक्ट मोरल 1809 एंड 1873 तथा इमिल क्रैपलिन 1856 एंड 1926 द्वारा जो रखा गया था, पहले नाम था इसका डेमेंटिया प्रेकॉक्स, विकार का नाम बदलकर मनोविदालिता या सिज़ोफ्रेनिया रखा। प्राचीन काल में इसे बहुत ही टिपिकल रोग माना जाता था, लेकिन अब इसके विभिन्न चिकित्साएं भी उपलब्ध हैं और इन्हें क्योर किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया वास्तव में क्या शब्द है। ये जो सिज़ोफ्रेनिया है ये ग्रीक शब्द है, जिसको यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसके दो शब्द बनते हैं, सिज़िम तथा फेरन। यह सिज़िम तथा फेरन से मिलकर बना होता है। सिज़्म का अर्थ होता है विभक्त होना, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, तथा फेरन का अर्थ होता है मन से। तो सामान्य भाषा में हम सिज़ोफ्रेनिया का अर्थ समझ सकते हैं एक तरह का पागलपन, कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपना जो जीवन है, डेली रूटीन है, उससे हट जाता है। कहा भी जाता है कि ये जो मनोरोग है यह साइकोसिस रोग है। दो तरह के रोग होते हैं मानसिक रोग, न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस रोग में एंजाइटी, स्ट्रेस आ सकते हैं, जो जिसमें व्यक्ति डेली रूटीन के कामों को भी कर सकता है। लेकिन ये जो सिज़ोफ्रेनिया रोग है ये साइकोसिस अर्थात एक्यूट कंडीशन हो जाती है, जिसमें उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। अब इसकी एज फैक्टर क्या है, तो विभिन्न रिसर्च के आधार पर जो सिज़ोफ्रेनिया रोग है वह सामान्यतः 18 से 19 वर्ष से लेकर 35 से 36 वर्ष की आयु के बीच कभी भी होता पाया गया है। अभी इसमें और रिसर्च की भी आवश्यकता है कि यह इन एज के अलावा और भी एज में हो सकता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेविसन एंड नील 1996 अपनी बुक एबनॉर्मल साइकोलॉजी पेज नंबर 389 में लिखते हैं कि ये जो मनोविदालिता सिज़ोफ्रेनिया है यह मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है, अर्थात साइकोसिस डिसऑर्डर्स का एक समूह है, जिसमें चिंतन, थिंकिंग, संवेग, सेंसेशन तथा व्यवहार, बिहेवियर में अत्यधिक शुद्धता की विशेषता होती है। विकृत चिंतन में विचार तार्किक रूप से संबंध नहीं होते हैं। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो डेविसन एंड नील कहते हैं कि दोषपूर्ण प्रत्यक्षण मतलब फॉल्टी परसेप्शंस होता है, देखने का जो नज़रिया है वह पूरी तरह से रॉन्ग होने लगता है। पेशीय क्रियाओं में अनोखी क्रिया होती है, जो मसल्स एक्शंस है, फंक्शंस है, मसल के जो फंक्शंस हैं उसमें अनोखी क्रियाएं या अनोखी शुद्धताएं देखी जाती हैं। साथ ही उनके जो भाव होते हैं वो अनुपयुक्त होते हैं। तब हम समझ लेते हैं कि जो रोगी को अन्य लोगों एवं वास्तविक
वास्तविकता से दूर कर डिल्यूजन एवं हेलुसिनेशन की काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। तो डेविडसन के अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही एक्यूट डिसऑर्डर्स है, जिसके आधार पर हम समझ लेते हैं कि यह नॉर्मल से थोड़ा सा अवे अर्थात एबनॉर्मल, नॉर्मल से विचलित है, नॉर्मल से हटा हुआ है, अन्य लोगों की वास्तविकता से दूर। और इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अब साइकोपैथोलॉजी कहती है कि इसका बायोलॉजिकल मॉडल्स क्या हैं, तो आज हम बायोलॉजिकल मॉडल को समझ लेते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया का बायोलॉजिकल मॉडल क्या है। हम अपना एक स्कल देख रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें आपकी खोपड़ी के अंदर अखरोट के समान ब्रेन की संरचना है, जो एक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट ब्रेन है, जिसके चार लोब हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो जब आप ये चित्र में देख रहे हैं, चित्र में जैसा दिखाया गया है आप देख रहे हैं, पहला जो स्ट्रक्चर दिया है ये नॉर्मल दिया है, जिसमें जो आपका जैसा कि सिज़ोफ्रेनिया, जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सिज़ोफ्रेनिया का। तो इसमें ये दिखाया गया है कि सिज़ोफ्रेनिया है 25% लेस ब्रेन वॉल्यूम ऑफ ग्रे मैटर इन टेम्पोरल एंड फ्रंटल लोब। जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट्स होता है, आप नॉर्मल ब्रेन को आप देख सकते हैं चित्र में, उसका जो टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब क्या होता है, अच्छे से प्रॉपरली काम कर रहा है, ऑक्सीपिटल लोब भी काम कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सिज़ोफ्रेनिया का, उसमें क्या होता है, पेशेंट का जो टेम्पोरल और फ्रंटल लोब है, आपका टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब है, उसका जो ग्रे मैटर है उसका वॉल्यूम ब्रेन में 25% लेस दिखाया जाता है। यह जो ब्रेन के अध्ययन में नॉन इन्वेंसिव टेक्निक्स हैं, जैसे कि fMRI, MRI, PET स्कैन, उसके आधार पर उसकी स्कैनिंग करके देखा जाता है, उसके आधार पर ये बताया जाता है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल ये कहती है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी उसका एक फैक्टर हो सकता है, हार्मोन्स के सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होते हैं, उसके कारण भी सिज़ोफ्रेनिया रोग हो सकता है। साथ ही ब्रेन के स्ट्रक्चर में ब्रेन डैमेज हो जाए या ब्रेन में कई चोट हो जाए तो उसका भी एक फैक्टर हो सकता है, और यह हेरिडिटी भी होता है, अनुवांशिक भी सिज़ोफ्रेनिया। ऐसा बताया गया है कि 50% ऐसे केसेस आते हैं कि यह हेरिडिटी भी होता है। तो इस प्रकार हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा। आप दूसरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आप राइट साइड में एक हेल्दी ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तथा कर्सर से हम इसको दिखा रहे हैं, तथा लेफ्ट साइड में आप सिज़ोफ्रेनिया का जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप इसमें रेड स्पॉट्स देख रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन में इंजरी हुई है, ब्रेन में डैमेज हुआ है। तो ये एक बायोलॉजिकल मॉडल कहता है कि इस कारण भी सिज़ोफ्रेनिक रोग हो सकते हैं, हेरिडिटी भी हो सकती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन सिक्रेशन के कारण भी सिज़ोफ्रेनिक रोग हो सकते हैं। तो इसके विभिन्न कारण देखे गए हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। अब हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं कि हम कैसे पहचाने कि वो सिज़ोफ्रेनिया है। तो इसके नॉर्मल सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिज़ोफ्रेनिया में जो उसका पर्सनालिटी होती है, साइकोपैथोलॉजी कहता है कि उसके 3 डायमेंशंस हैं, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियरल, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। ये जो तीनों पक्ष होते हैं ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त और अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कॉग्निटिव मॉडल भी हमने पढ़ा था, कॉग्निटिव मॉडल में हमने देखा था कि उसका परसेप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, उसकी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन पावर पूरी तरह से वीक हो जाता है, साथ ही उसका जो इमोशनल है और जो बिहेवियर है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट्स होता है उसका वास्तविकता से पर्याप्त संपर्क टूट जाता है, और व्यवहार कैसा हो जाता है, रिग्रेसिव। मतलब अगर एक 50 एज का एक पर्सन है तो वह 10 ईयर एज के बच्चों जैसी हरकतें भी कर सकता है। विभिन्न तरह के इसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ ही हम और सिम्टम्स देखते हैं तो उसका जो रियलिटी है, जो डेली रूटीन है, उसका वास्तविकता से पलायन कर अपने ही संसार में डूब जाता है,
कुछ कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अपने को राजा महाराजा कुछ भी बोलने लगते हैं, जिसमें तरह तरह के डिल्यूजन एवं हेलुसिनेशन की प्रबलता होती है कि स्टिमुलस सामने नहीं है। विदाउट स्टिमुलस उन्हें लगता है कि सामने कुछ महल खड़ा है, कुछ ऐसी चीज है। इस तरह से वह अपनी प्रतिक्रिया, अपना परसेप्शन करते हैं। इसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेम्स डी पेज, वो कहते हैं कि संवेगात्मक उदासीनता इन रोगियों का मूल केंद्र बिंदु। यह कभी कभी बहुत ही उदासीन होते हैं, चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। इसमें उभयात्मकता भी पाई जाती है, मतलब इसका मतलब होता है कि यह एक समय कभी कभी हंसते हैं तो रोते भी हैं, अर्थात दोनों सिचुएशन इनमें हो सकती है, या फिर बहुत ही अधिक सोते हैं या फिर बहुत ही अधिक जागते रहते हैं। साथ ही इनके और सिम्टम्स देखें तो इनके विचार बहुत ही अस्पष्ट, विश्रृंखलित, दिशाहीन, विचित्र तथा भ्रांत होते हैं। यदि इनसे बात भी की जाए तो ये प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं। यदि इनके बातचीत कैसी होती है, इनकोहेरेंट होती, अस्पष्ट होती है, बार बार रिपीटेटिव होती, पुनरावर्ती होती है, असंबंधित, डिसकनेक्टेड होती है तथा असंगत, इरिलेवेंट होती है। तो इस प्रकार से इनकी भाषाओं को देखकर भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं। साथ ही यह तरह तरह के भ्रामक विचारों, भ्रमपूर्ण दृश्यों, ध्वनियों एवं विश्वासों में उलझे रहते हैं, जिनका यथार्थता से दूर की संगति भी नहीं होती। तो हम इस रूप में इसको समझ सकते हैं कि कभी कभी पेशेंट ऐसा कहता है कि मुझे आवाज़ें आ रही है, मुझे कोई बुला रहा है, या मुझे ईश्वर आवाज़ दे रहा है, या मुझे कोई बुला रहा है, या फिर मैं इस राज्य का राजा हूँ या मंत्री हूँ। इस तरह के इनके भ्रामक विचार होते हैं। इन्हें कुछ कुछ बिना स्टिमुलस के भी इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं। इस तरह से अगर इनके हम सारे सिम्टम्स देखें तो मुख्यतः डिल्यूजन तथा हेलुसिनेशन इनकी मुख्य विशेषता होती है। इनके और भी सिम्टम्स होते हैं। अब हम इनके क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सिज़ोफ्रेनिया, इनके जो नैदानिक लक्षण हैं उनको हम समझ लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा आता है पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में कैसे होते हैं ये रोगी, ये सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक बहुलता, साइकोलॉजिकल एक्सेस दिखलाता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, सबसे पहला होता है डिल्यूजन, व्यामोह होता है। दूसरा होता है विघटित चिंता एवं भाषा, अर्थात डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एवं स्पीच। जब ये बोलते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि इनकी जो बोली है, इनकी जो भाषा है, वो बिल्कुल ही विघटित हो गई है, या सोचने विचारने की क्षमता भी पूरी तरह से विघटित हो जाती है। साथ ही इनमें हेलुसिनेशन भी होता है, बिना स्टिमुलस के भी यह उन दृश्यों को देखने लगते हैं। अव्यवस्थित व्यवहार, इनका बिहेवियर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाता है, डेली रूटीन के कामों को भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, यह किसी पर पूरी तरह से आश्रित हो जाते हैं। तथा इनके भाव भी कैसे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट्स होते हैं, अनुपयुक्त भाव इनके मुख्य हैं। और भी हम इनके सिम्टम्स देख लेते हैं। अगला इनका सिम्टम्स होता है नेगेटिव सिम्टम्स, ऋणात्मक लक्षण। इसमें रोगी सामान्य कार्यों की मनोवैज्ञानिक कमी दिखलाता है। जो जनरल वर्क होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि संभाषण की कमी, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बोलने में बहुत ही असहज महसूस करना, या फिर ठीक से बोल नहीं पाना, ठीक से शब्दों को नहीं समझ पाना, कुंठित प्रभाव, फ्लैट इफेक्ट, तथा बाह्य वातावरण के साथ शुद्ध संबंध, डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप होता है, किसी से भी प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बना पाते, यहाँ तक कि इनकी मेमोरी परसेप्शन इतना क्षति हो जाती है कि यह अपने परिवार के सदस्यों को भी पहचान नहीं पाते हैं। यदि वाइफ है, बेटा है, तब भी यह पहचान नहीं पाते हैं कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी वाइफ है। साथ ही इनका अगला जो सिम्टम्स होता है, क्लिनिकल सिम्टम्स, वो होता है मनोपेशीय सिम्टम्स, जिसे हम कहते हैं साइकोमोटर सिम्टम। इसमें व्यक्ति के गति में स्वाभाविकता की कमी होती है, हाव भाव, उसके तौर तरीकों में अनोखापन होता है, मतलब व्यक्ति नॉर्मल से बिल्कुल ही अलग तरह से व्यवहार करता है, उसके तौर तरीके, हाव भाव बिल्कुल ही अलग होते हैं, जिससे तुरंत पता चल जाता है, और इनके विभिन्न सिम्टम्स से पता चल जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने पढ़ा लक्षण सिम्टम्स, क्योंकि
कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, साइकोपैथोलॉजी कहती है कि सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक रोगों का डायग्नोस करना, वही मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे इनके लक्षणों को देखकर, क्लिनिशियन के साथ रहकर हम इनके विभिन्न सिम्टम्स को समझकर इनको समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि योग में सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर किस रूप में लिया गया है। तो योग में चित्त की अवस्थाएं बतलाई गई हैं। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र में चित्त की अवस्थाएं प्रथम पाद में बताया है। उसमें कहा है मूल, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जिसमें से जो प्रथम चित्त की अवस्था है वह है मूढ़ावस्था। मूढ़ावस्था के जो लक्षण हैं वह मेंटल डिसऑर्डर्स से मिलते जुलते हैं, जो सिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उससे मिलते जुलते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो मूढ़ावस्था है, इस अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है, तमोगुण प्रधान होता है तथा सत्व और रजस दबे रहते हैं। क्योंकि यदि जब हमारे व्यक्तित्व तीन गुणों से बना होता है, जिसमें गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो पर्सनालिटी वह त्रिगुण है, तो जब एक गुण अधिक होता है तो दो गुण दबे होते हैं। तो इसी प्रकार मूढ़ावस्था में तमोगुण प्रधान होता है तो सत्व और रजस तमे होते हैं। अब तमोगुण प्रधान होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मनुष्य निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मोह, भय, भ्रम और दीनता की स्थिति में पड़ा रहता है। उसकी सोच विचार की जो शक्ति है वो सुप्त पड़ी रहती है, अर्थात पूरी तरह से धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती है, मेमोरी पावर भी डैमेज हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति विवेक शून्य रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो यह समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है, डेली रूटीन के कामों को भी नहीं कर पाता है। साथ ही उसमें द्वंद्व बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि ये करूं कि वो करूं, इस तरह से उसकी स्थिति बताई गई है मूढ़ावस्था में। इसके और भी सिम्टम्स हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर वह सब तरह के अवांछनीय और नीच कार्य करता है। तो यह मुख्यतः मूढ़ावस्था में तमोगुण की अवस्था बताई गई है। साथ ही जो अल्कोहल है, मादक द्रव्यों का सेवन अधिक से अधिक करता है। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें सिज़ोफ्रेनिया भी एक है, जिसमें से अल्कोहल भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हमने ब्रेन डैमेज तो पढ़ा ही था कि ब्रेन में इंजरी हो या ब्रेन में कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा हो, लेकिन एक तरह से अल्कोहल का बहुत ही अधिक सेवन से भी मेंटल डिसऑर्डर्स होने की संभावना होती है। साथ ही इसमें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अपनी किताब योग दर्शन पृष्ठ 14 में और लिखते हैं कि यह मानवीयता से पतित, उन्मत्त एवं नीच मनुष्य की होती है। तो यह तमोगुण प्रधान की अवस्थाएं पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने अपने योग दर्शन में पृष्ठ 14 में रेफरेंस सहित इसको बतलाया है। अब हम गीता में, श्रीमद्भगवद् गीता में मनोविदालिता अर्थात सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स क्या है, किस प्रकार है, हम इसको देखेंगे। इस पर हमारा PhD वर्क भी हुआ है 2010 में, जिसमें हमने 5 वर्षों तक इस पर अध्ययन किया है। इसमें विभिन्न मनोरोगों को हमने लिया है, साथ ही इसकी चिकित्सा का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। आप सभी इसे बड़े ही ध्यान से सुने। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में मनोविदालिता, सिज़ोफ्रेनिया का स्वरूप एवं लक्षण गीता में हमें तमस के रूप में दिखाई देता है। अभी हमने योग को देखा था, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी एक योग शास्त्र है, साथ ही एक मानस शास्त्र भी कही गई है। इसमें बताया गया है तमस अर्थात जड़ता। तमस प्रधान व्यक्ति का वास्तविकता से पर्याप्त संपर्क टूट जाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सिज़ोफ्रेनिया एक साइकोसिस डिसऑर्डर्स है, जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से पर्याप्त संपर्क टूट जाता है। अब इसके 3 पक्ष होते हैं व्यक्तित्व के, कॉग्निटिव, इमोशन एंड बिहेवियर। ये पूर्णतः कैसे होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, अर्थात कॉग्निटिव के अंतर्गत परसेप्शन, देखने का नज़रिया, मेमोरी पूरी तरह से वीक हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन पावर पूरी तरह से लूज हो जाता है, थिंकिंग सोचने विचारने की क्षमता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तथा भावनात्मक और व्यवहारात्मक जो बिहेवियर है उसका वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है,
और उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, पूरी तरह से रिग्रेसिव होता देखा गया है। ऐसा गीता में कौन से श्लोक में कहा गया है इसको हम देख लेते हैं। गीता के 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है के 32 श्लोक से 39 श्लोक तक पूरा इसमें तमोगुण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी, अर्थात संपूर्ण शुद्ध अर्थों का जो विपरीत अर्थ करता है, जो जो अच्छे गुण हैं उन्हें दोष रूप में ही मानता है और सब बातों को एक विकृत रूप में सत्य के विपरीत देखता है, वही तमस अवस्था है अर्थात तामस अवस्था है। इस प्रकार गीता में उसे बताया गया है। और भी हेलुसिनेशन डिलुसिनेशन यदि हम और उसको सर्च करते हैं 35 श्लोक्स में भी यदि हम देखते हैं तो उसमें भी विभिन्न लक्षण ऐसे बताए गए हैं कि जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस को बताते हैं। तब इसमें उपचार की क्या संभावनाएं हैं, तो गीता में सिज़ोफ्रेनिया का उपचार योगेश्वर श्री कृष्ण विभिन्न रूप में बतलाते हैं, जिनके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ दिए हैं। बाकी हमने विस्तार रूप से इसकी थीसिस में चर्चा की है, इसका रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। इसमें पहला है आसनाभ्यास, दूसरा है आसनाभ्यास के आधार पर भी सिज़ोफ्रेनिया का उपचार किया जा सकता है, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम को भी लिया जा सकता है, पवन मुक्तासन भाग एक को भी लिया जा सकता है। प्राणोत्कर्ष प्राणायाम की चर्चा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। स्वधर्म अभ्यास का पालन किया गया है कि अपने धर्म में ही रहकर कार्य करना चाहिए, अभ्यास वैराग्य बताया है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने पर भी मानसिक रोगों से निजात पाई जा सकती है। नासिकाग्र ध्यान की चर्चा की है। आहार आहार मिताहार बताया गया है योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में, कि सात्विक आहार जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है उसको धीरे धीरे सात्विक आहार की ओर हम ले लाएँ, क्या पथ्य है क्या अपथ्य है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी भी विस्तार रूप से चर्चा की गई है। साथ ही हमारा कर्म कैसा हो, यज्ञमय कर्म हो, अर्थात हम श्रेष्ठ कर्म करें, हम श्रेष्ठ जीवन जिए तो धीरे धीरे इन रोगों से उबर सकते हैं। मनो जो सिज़ोफ्रेनिया है उसका सामान्य उपचार भी बतलाया गया है, जो बहुत वर्षों से इस पर कार्य चल रहा है और इसके बहुत सारे अभी रिसर्च चल रही है। तो जो जब बहुत ही व्यक्ति एक्यूट हो जाता है, कुछ दवाओं का भी प्रयोग होता है, इसके लिए एंटी साइकोटिक्स दवाएँ भी हैं, जो कि उपचार तो नहीं किंतु इसमें जब भ्रम है, मति भ्रम है, इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है और सोचने संबंधी लक्षणों में बहुत ही लाभप्रद होती हैं, तो डॉक्टर की सलाह से उनको मेडिसिन दिया जा सकता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक चिकित्सा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उनका किया जाता है। मनोवैज्ञानिक उपचार में फ्राइड द्वारा साइकोअनालिसिस भी किया जा सकता है, जिसमें फ्री एसोसिएशन और फिर साइकोथेरेपी भी उनकी की जा सकती है। व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से यह बचाता है। तीसरा इसमें बताया गया है इलेक्ट्रोकन्वेंसिव थेरेपी ECT। इसमें इलेक्ट्रोड अथवा बिजली का झटका व्यक्ति के मस्तिष्क में लगाया जाता है। ECT का उपचार सप्ताह में 2-3 बार दिया जाता है, लेकिन ये केवल क्रॉनिक पेशेंट के लिए ही दिया जाता है, जब बहुत ही क्रॉनिक होता है और वो भी डॉक्टर की एडवाइस से ही दिया जाता है। जब साइकेट्रिस्ट एडवाइस देता है कि हमें इसको देना है उसी समय दिया जाता है, नहीं तो जनरली इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ताकि वह नॉर्मल हो जाए और उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सके। इसके आधार पर पाया गया कि सिज़ोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकार में योग चिकित्सा भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। अभी विभिन्न रिसर्चेस हो चुकी हैं और भी रिसर्चेस होने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत विभिन्न रिसर्चों पर पाया गया कि जो सिज़ोफ्रेनिया का जो रोग है उसे एकाएक ठीक तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक उसे ठीक करने की संभावना है। सर्वप्रथम तुरंत यौगिक चिकित्सा तो नहीं दी जाती है, प्रारंभिक स्थिति में केस स्टडी लिया जाता है, क्वेश्चनर भराया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, जो क्लाइंट है
उसे अपने आत्मविश्वास में लिया जाता है। जब आपका और क्लाइंट का आपस में चिकित्सकीय संबंध बहुत अच्छे से हो जाए, वह आपके कहे अनुसार चले, तब उसके बाद एक या दो महीने बाद आप आसानी से उसे योग चिकित्सा करा सकते हैं। लेकिन योग चिकित्सा में भी सर्वप्रथम बहुत ही सावधानी से स्टेप बाय स्टेप कराकर और अंत में शवासन कराया जाता है, जिसमें आसन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। महर्षि पतंजलि ने भी पतंजलि योग सूत्र में कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात आसन से स्थिरता और सुख की अनुभूति होती है। जो पेशेंट होता है उसमें स्थिरता नहीं होती, बहुत ही अधिक चंचलता होती है, तो इस मानसिक विकार में धीरे धीरे आसन से सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम दें, जिसमें संधि संचालन के आसन हैं, पवन मुक्तासन भाग एक सीरीज दे सकते हैं, जिसमें कि हैंड रोटेशंस हैं, आपका एल्बो रोटेशंस हैं, नी रोटेशंस हैं, आई रोटेशंस हैं, नेक मूवमेंट है, ऐसे सरल सरल आसन कराए जा सकते हैं, ताकि जो एनर्जी में ब्लॉकेज हो गई है वह ब्लॉकेज दूर हो और एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से मस्तिष्क में जाए, स्वच्छ एनर्जी शुद्ध वायु मस्तिष्क को मिले, ताकि धीरे धीरे मानसिक विकार दूर हो। साथ ही इसके साथ जो फॉरवर्ड बेंडिंग करने वाले आसन है, जैसे शशकासन, पश्चिमोत्तासन भी दिए जा सकते हैं। इसमें जब यह आसन किए जाते हैं तो ब्लड का संचार सीधा ब्रेन में होता है, जो प्योर ब्लड है वह ब्रेन में आता है, जिससे ब्रेन अच्छे से एक्टिवेट करता है। हम पहले भी आपको बताए थे कि सिज़ोफ्रेनिया में जो आपका फ्रंटल लोब है और टेम्पोरल लोब बहुत ही अधिक प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में शशक आसन और पश्चिमोत्तानासन भी बहुत ही अधिक लाभकारी होते हैं। पर इसमें बहुत ही ध्यान रखने योग्य यह बातें हैं कि आपको पेशेंट को देखकर रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार ही आसनों का करवाना है, और किस प्रकार से कराना है पहले डेमोंस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो आपके सामने क्लाइंट आया है, सिज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर्स पर्संस है, उसको आपको करवाना है। धीरे धीरे हर आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन आसन जैसे कि शवासन और मकरासन देना बहुत ही जरूरी है। हर पहले दिन में केवल एक ही आसन कराएं, वो भी रोग और रोगी की प्रकृति के अनुसार ही उसे कराने का प्रयास करें। दूसरे चरण में प्राणायाम आता है। प्राणायाम बहुत रिसर्च के आधार पर बताया गया है कि बहुत ही अधिक लाभकारी है, जैसे कि अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो पूरे नाड़ियों की शुद्धि करती है, जहाँ एनर्जी ब्लॉक हो गई है, एनर्जी रुक गई है, तो प्राणायाम के माध्यम से प्योर एनर्जी शुद्ध प्राणवायु मस्तिष्क में प्रवेश करती है, जिससे मानसिक शांति होती है, मेंटल हेल्थ बना रहता है। साथ ही भ्रामरी प्राणायाम की भी बहुत अधिक रिसर्चेस हो चुकी है कि भ्रामरी प्राणायाम पूरे मस्तिष्क को, जो अनिद्रा के पेशेंट भी हैं और जो हमारा सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, उसमें तो बहुत ही अधिक भ्रामरी प्राणायाम लाभकारी है। साथ ही उद्गीद प्राणायाम, ओम प्राणायाम भी किया जा सकता है, तो एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके साथ ही मुद्रा का भी चुनाव किया जा सकता है, जैसे कि कामजयी मुद्रा, सुरभि मुद्रा सात्विक भाव लाती है, जैसे हमने बताया था कि मूढ़ अवस्था में तमोगुण अवस्था होती है, तो तमोगुण को दूर करने के लिए सुरभि मुद्रा का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो उदान मुद्रा है, उदान मुद्रा भी हमारे सिर के ऊपरी भाग में, उदान कंठ देशस्य जैसे योग शास्त्र में कहा गया है, कंठ से ऊपर का जितना भी भाग है उनमें उदान मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। मस्तिष्क विकारों में भी उदान मुद्रा बहुत ही अधिक लाभकारी होती है। ये सभी मुद्राएं हमारे चैनल योग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में हम सभी इसे देते आए हैं। आप भ्रामरी प्राणायाम भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही उदान मुद्रा भी हमारे चैनल पर हम देते आ रहे हैं, और भी हम योग और वैकल्पिक चिकित्सा संबंधित विभिन्न थेरेपी हम बताते चले आ रहे हैं। साथ ही इस डिसऑर्डर्स में योग निद्रा भी बहुत ही अधिक काम करती है, इसका तो हमने अनुभव भी किया है और इसको जो क्लाइंट्स हैं उन पर करवाया भी। इसमें भी बहुत सावधानी रखनी होती है, प्रारंभिक चरण का जो योग निद्रा है उसी को करवाया जाता है, और जैसा क्लाइंट है, जैसे उसके सिम्टम्स हैं, उसी के अनुसार उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो योग चिकित्सा से एक बहुत ही बड़ा योगदान दे सकती है।
तो इस प्रकार आज हमने सिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स जो एक मानसिक रोग है उसकी अर्थ परिभाषा कहाँ से यह आया है और गीता में श्रीमद् भगवद गीता में योग में इसे किस रूप में दिया गया है और इसकी चिकित्सा योग के माध्यम से तथा गीता में भी इसकी चिकित्सा की गई है। हमने जो थीसिस लिखी है उसमें भी इसकी चिकित्सा का एक मॉडल तैयार किया गया है और भी आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो हमारे योग एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल पर और भी आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें। किसी को कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। सभी को धन्यवाद।